नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम वीडियो होने जा रही है दोस्तों। T20 ट्रेन के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। 20 जुलाई 2020 को मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो मेरी फाइनल वीडियो थी कि मैं T20 के बारे में वो आखिरी जानकारी देने जा रहा था। बहुत कमेंट आते थे कि T20 कहाँ है, क्योंकि 2020 चल रहा था। तो मैंने फाइनली बताया दोस्तों, ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस वक्त नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त ट्रेन 18 का ही प्रोडक्शन अधर में लटका हुआ था, तो ऐसे में ट्रेन 20 का बनना बिल्कुल नामुमकिन था। तो उस वक्त के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई थी और वो बिल्कुल सही बात थी। अब T20 की एक ऐसी खबर सामने आ गई है जो आपके साथ शेयर करना बनता है, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस वक्त रियलिटी में उतर आया है, पेज पे नहीं है, इसके टेंडर ओपन हो चुके हैं। अब पूरा आपको क्लियरिटी से आज बताऊंगा कि T20 ट्रेन आखिर है क्या। दोस्तों, T20 ट्रेन कुछ नहीं थी। अगर T18 ट्रेन जो थी वो 2018 में बनना शुरू हुई थी तो उस ट्रेन का नाम T18 रखा गया। 2020 में, 2 साल बाद, एक स्लीपर वर्जन वंदे भारत एक्सप्रेस आनी थी, इसलिए उसका नाम T20 रखा गया था, जो राजधानी ट्रेन को रिप्लेस करेंगी, ऐसी बातें हुआ करती थी उस टाइम पे। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में वो शताब्दी एक्सप्रेस को और इंटरसिटी एंड जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को रिप्लेस करेंगी, ये बातें होती थी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस आ भी गई हैं और अब प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से चालू है युद्ध स्तर पर। तो अब इन T20 ट्रेनों का क्या? तो दोस्तों, आखिरकार T20 ट्रेनें आ रही हैं। ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है कि अब स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही हैं और अप्रैल 2022 में 200 न्यू स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टेंडर खोला गया है। ये टेंडर जो है, इसके अंदर जितनी बातें लिखी हैं उसमें मैं संक्षिप्त में आपको मेन चीज बताऊं। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि हमने जो टेंडर इनवाइट करे हैं उसमें ग्लोबल कंपनियां भी भाग ले सकती हैं और देश की कंपनियां भी भाग लेंगी, और इसका ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब इसमें भाग ले पाए। उसके लिए उन्होंने क्या कंडीशन को और सॉफ्ट बनाया है, ये बातें मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। इससे पहले अभी समझते हैं कि जो ये टेंडर है, ये कहता है कि ICF फैक्ट्री जो चेन्नई की है वहां पर, और मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर में जो है, देश की चौथी रेल कोच फैक्ट्री है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी 29 अप्रैल 2021 को, इसको भी जरूर देख लेना, ये कैसे बनी चौथी देश की फैक्ट्री और इसमें अब क्यों बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होने जा रहा है, वो वाली वीडियो जरूर देखना। इन दोनों फैक्ट्रियों में जो भी टेंडर को जीतेगा वो इस ट्रेन को डेवलप करेगा। अब यहाँ पर सच में एक ऐसी चीज होने जा रही है जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। अभी तक हम बाहर के देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करते थे और करते आए हैं, लेकिन हम बाहर के देशों से वो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं कर पा रहे थे। अब इस टेंडर के तहत लग रहा है कि इस टेंडर को अगर किसी भी ग्लोबल फर्म ने जीता, हमारे इंजीनियर्स भी टेबल पे बैठेंगे। इस ट्रेन की जो ओवरऑल स्टार्टिंग में हर एक एक कंपोनेंट के ऊपर जो रिसर्च होगी उसके लिए, और हसल करेंगे उन दूसरों इंजीनियर्स के साथ में जो कि ग्लोबल फर्म के इंजीनियर्स होंगे, जो कि भारत से फॉरेन से इंडिया आएंगे। जब ये दोनों मिलकर के बैठेंगे ना, तो दोस्तों हमारा जो स्टाफ है वो भी 100% नॉलेज गेन करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा। जो बाहर के इंजीनियर्स आएंगे वो तो हमारी ओवरऑल हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा होने की संभावना है इस ऑर्डर में। ये हो सकता है परफेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ग्लोबल फर्म का ही भाग लेना ये भी बताता है कि पॉसिबिलिटी है कि इन ट्रेनों के अंदर एल्यूमिनियम का यूज होगा, और क्योंकि इसके वेट में भी कुछ कमी आएगी। इन 200 ट्रेनों का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो वंदे भारत ट्रेन के फेज 2 AC स्लीपर ट्रेन्स का प्रोजेक्ट है। तो जो ये फेज 2 होगा, ये 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो 2023 में इस तरीके की ट्रेनों का प्रोटोटाइप हमारे सामने आने की संभावना है, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो होंगी। इस टेंडर की दोस्तों जुलाई अगस्त में कंप्लीट होने की संभावना है। जितना जल्दी टेंडर फिल होगा, जो जीतेगा उतना ही जल्दी काम भी शुरू हो पाएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो थंबनेल में आपने पंजाब मेल भी देखा होगा। पंजाब मेल का T20 ट्रेन से या फिर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से क्या रिलेशन होने जा रहा है, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले इन ट्रेनों के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस करवाने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन ट्रेनों में हाई राइज पेंटोग्राफ यूज होगा, क्योंकि दोस्तों लंबी दूरी की ट्रेनें होने जा रही हैं, कहीं कहीं सेक्शंस पे हो सकता है कि हाई राइज ऊंची सेक्शन से गुजरना पड़े, इसलिए पेंटोग्राफ के अंदर दो तरह की एबिलिटी होंगी, वो नॉर्मल ओएसी सेक्शन और हाई राइज ओएसी सेक्शन दोनों में चल सकेगा। फायर सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा, और एक बहुत ही अहम बात, किसी भी ट्रेन का प्रोटोटाइप जब आता है तो उसके ऑक्सीलेशन ट्रायल होते हैं। जब ऑक्सीलेशन ट्रायल चल रहे थे वंदे भारत एक्सप्रेस के, आप लोगों ने कई वीडियो देखी भी होंगी, 160 KMPH पे ट्रायल होते थे। ये ऑक्सीलेशन ट्रायल इस बार इस ट्रेन के जब होंगे, तो साफ साफ लिखा गया है टेंडर में, ये होंगे
आरडीएसओ के नॉर्म्स के ऊपर नहीं, यूरोपियन नॉर्म्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर, जो एक नियम कायदे है जिनके अकॉर्डिंग इनका ऑक्सीलेशन ट्रायल को करवाया जाएगा, वो यूरोपियन होंगे। यही कारण है जब यूरोपियन नॉर्म्स फॉलो होंगे तो ग्लोबल कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस ट्रेन को डेवलप करने में। इसी के साथ में एक कंफर्ट इंडेक्स भी होता है जिसके अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि ट्रेन के अंदर कितना कंफर्ट हो सकता है मैक्सिमम। ये भी यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही टेस्ट किया जाएगा इस ट्रेन का। वेट के अंदर रिडक्शन किया गया है दोस्तों, और इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टेंडर बंद होने के बाद में जो भी कंपनी जीतेगी वो एल्यूमिनियम का अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेन के दो कोचेस के बीच में जो न्यू गैंगवेज यूज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा क्विक ओपन होने की एबिलिटी रखेंगे। इस ट्रेन की जो नोज कोन होगी उसको इम्प्रूव किया जाएगा। वंदे भारत के लिए बहुत कमेंट आते हैं कि नोज की जो कोन है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो इसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे। एक और एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये लंबी दूरी की ट्रेन होने जा रही है इसलिए इसमें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो कि इंडियन रेलवे की ट्रेन में नहीं मिलता है। हर कोच के अंदर एक मिनी पेंट्री होगी, जी हाँ दोस्तों, और साथ में 3 टॉयलेट होंगे। तो एक टॉयलेट कम कर दिया गया है जिससे कि जगह बनाई गई है एक मिनी पेंट्री के लिए। तो कुछ यही अहम बातें हैं जो कि इस ट्रेन के अंदर नई आपको देखने को मिलेंगी और 2023 में इनको इंट्रोड्यूस होने की संभावना है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे से जानकारी जुटाई है हिंदुस्तान टाइम्स ने कि फिरोजपुर कैंट और मुंबई CSMT के बीच में एक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया जाए। रेलवे बोर्ड के द्वारा ये बात सामने आई है दोस्तों। अभी फिलहाल इस दोनों ही स्टेशन के बीच में की जो दूरी है वो 1930 किलोमीटर है, जिसके लिए लगभग 33 घंटे लेती है पंजाब मेल, एक बहुत ही पुरानी ट्रेन, ऐतिहासिक ट्रेन है भारतीय रेलवे की। तो ये पंजाब मेल जो ट्रेन है ये 33 घंटे अभी लेती है। अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन सेंट्रल रेलवे में इंट्रोड्यूस होती है, और क्योंकि ये वाया भोपाल वाला रास्ता है, तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन हो जाएगी अगर ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो गई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मेजर एरिया कवर होगा, पंजाब का भी और साथ में दिल्ली NCR का भी और आगे जा करके मध्य प्रदेश का भी बहुत एरिया कवर हो जाएगा। और अगर ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई दोस्तों तो इस टाइम पर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 759 किलोमीटर के लिए 8 घंटे लेती है। अगर वो ट्रेन 8 घंटे ले रही है 759 के लिए, तो मेरा मानना है अप्रोक्स 1930 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 18 से 19 घंटे लगेंगे इस दूरी को तय करने में, और मैक्सिमम 20 घंटे, तो लगभग 13 घंटे का कट लाएगी ये ट्रेन अगर ये चल जाती है। तो ये ट्रेनें 200 ट्रेनें हैं और इनका टेंडर जो है दोस्तों उसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, 26,000 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट आने जा रही है टेंडर की, और इतना पैसा इंडियन रेलवे खर्च करने जा रहा है इन ट्रेनों के ऊपर, तो ये कोई मजाक तो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता लग रही है कि 200 स्लीपर AC वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है कि आगे चल करके ये सच में राजधानी ट्रेन को रिप्लेस कर सकें। बाकी अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका प्रोटोटाइप कैसा होगा। तो आप लोगों का बहुत सारा डाउट इसमें क्लियर हुआ होगा आई होप, और T20 ट्रेन इसे कहा जा सकता है। तो आप लोगों को आज आखिरकार फाइनली जवाब मिल गया कि T20 प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा जिंदा करा जा रहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।